हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्राइटेस्ट का एक और एक्साइटिंग पार्ट, जिसका नाम है फोर एलिमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अर्थ, अभी के दिन, जहाँ पर हमें डेड मैन की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो कहता है मुझे पता है कि मरना क्या होता है। कई चीजें डार्क हो जाती है और कई चीजें ऐसी होती है जो कि किसी भी रेस के माइंड कंट्रोलिंग और कंपैरिजन के परे होती है, और रियलिटी यही है कि एंड में एक ही लास्ट थॉट मुझे रिमेम्बर है। और हम तभी देखते हैं लंदन और गौतम सिटी के साथ एक और शहर को, जहाँ पर तबाही मची हुई थी और सभी जगह पर हाल यही था कि स्काइज ब्लैक हो रहे हैं और कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आकर हर जगह को तबाह कर रहे हैं और वहाँ के सुपर हीरोज उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर डेडमैन कहता है कि आखिर मैं ही क्यों, और तब हम देखते हैं डेडमैन को फायरस्टॉर्म के साथ स्टार सिटी में, जहाँ पर वो कहता है मेरा नाम है बॉस्टन ब्रांड और मैं मर चुका था और एक स्पिरिट बन चुका था जिसे कहते हैं डेडमैन। इनविजिबल, ना किसी को सुनाई देने वाला, लेकिन मैं इंटरेक्ट कर सकता था बाकी के लोगों से पजेस करके किसी की बॉडी को, लेकिन जब मैं व्हाइट लैंटर्न के जरिए रिजरेक्ट हुआ तब से ये रिंग मेरे साथ है और मुझे सेकंड चांस मिला लाइफ जीने का, लेकिन सिर्फ मुझे चांस मिला, किस कीमत पर। फायरस्टॉर्म पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, तब वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ फायरस्टॉर्म, मुझे लैंटर्न दो, तब वो कहता है कि आखिर हम है कहाँ पर। तब लैंटर्न बताती है कि ये ओनली सेफ प्लेस है अर्थ पर, और इस प्लेस पर स्काईज क्लियर है, ये स्टार सिटी का फॉरेस्ट है और यहीं पर कुछ चूजन वंस को ही एंटर किया जाएगा। और तब हम देखते हैं ग्रीन एरो को स्टार सिटी फॉरेस्ट के बाहर खड़ा हुआ, जहाँ पर लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक फोर्स फील्ड उन्हें रोक रही थी और उस फोर्स फील्ड पर अटैक करते हुए वो कहता है उन्हें अंदर आने दो, लेकिन व्हाइट लैंटर्न कहती है नहीं। यहाँ पर बॉस्टन ब्रांड फायरस्टॉर्म पर अपनी रिंग ताने हुए खड़ा था और यहाँ पर जेसन उससे कहता है रॉनी मुझे नहीं लगता कि रिंग और लैंटर्न एक साथ रखना सही आइडिया होगा, क्योंकि लैंटर्न ने हमें उसे रेस्क्यू करने के लिए भेजा और रेस्क्यू करने के बाद टेलीपोर्ट करके हमें यहाँ पर ले आई। तब जेसन से वो कहता है हाँ, मुझे भी यही लगता है कि उसने खुद को टेलीपोर्ट किया खुद को बचाने के लिए। तब लैंटर्न उससे कहती है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी एंटी मॉनिटर के पोजिस्ट की, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह थी कि तुम विटनेस बनो प्रोफेसर स्टेन की डेथ का खुद के आंखों से। तब वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों चाहती थी, और अगर तुम्हें यह पता ही था कि प्रोफेसर स्टेन की डेथ होने वाली है तब तुमने उन्हें रेजरेक्ट क्यों नहीं किया। तब लैंटर्न कहती है कि उन्हें रेजरेक्ट करना डिले के अलावा और कुछ नहीं था, और लाइफ एम्बरेस हो जाती इस वजह से, डिलेज कभी भी सहन नहीं किए जाते, और जल्दी डार्क अवतार राइज होने वाला है और वो जैसे ही आएगा। तब डेडमैन कहता है मुझे माफ करना रॉनी, क्योंकि तुम्हें समझना होगा ये रिंग हम सबको मैनिपुलेट कर रही है। तब रॉनी कहता है लेकिन क्यों, तब वो बताती है क्योंकि तुम्हारी लाइफ फोर्स को डिफेंस के लिए तैयार होना होगा ताकि तुम अर्थ के डिफेंडर्स बन सको। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी जगह पर टवर हॉक दोनों लड़ रहे थे और व्हाइट रिंग उन दोनों को लड़ते हुए स्टार सिटी के फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट कर देती है और कहती है डाउन क्रेंजर तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होए, तुम्हारी प्रेजेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। और तब हम देखते हैं कि वो दोनों ही स्टार सिटी फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बूमरैंग भागा जा रहा था स्टार सिटी के फॉरेस्ट की तरफ और वो कह रहा था कि व्हाइट लैंटर्न ने मुझे कहा है कि वो मुझे एक्सेस देगी, तो या फिर मैं मर जाऊँगा या फिर बच जाऊँगा। और जाते हुए व्हाइट लैंटर्न उससे कहती है कि डिगर हार्कनेस तुम्हें इसकी तरफ बूमरैंग शूट करनी है, और उसे दिखाया जाता है डव की इमेज। यहाँ पर डव और हॉक को रोक कर व्हाइट लैंटर्न यानी कि बॉस्टन ब्रांड अपना काम करने जा रहा था और वो बता रहा था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, यह रिंग मुझसे सब कुछ करवा रही है और इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुझे लगा था कि मैंने ही हॉकमैन, हॉक गर्ल और एक्वामैन के साथ मार्टियन मैनहंटर को मार दिया, लेकिन वो मैं नहीं था। लेकिन तब तक डार्क अवतार राइज होना शुरू हो चुका था और डार्क अवतार बढ़ रहा था स्टार सिटी के फॉरेस्ट की तरफ। और तब हम देखते हैं डार्क अवतार ब्लैक लैंटर्न स्वैम्प थिंग था।
जहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए ग्रीन को ब्लैक में कन्वर्ट कर रहा था और सारी लाइफ फोर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए करप्ट कर रहा था। और यहाँ पर सुपर हीरो जो अंदर थे वो बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तब व्हाइट लैंटर्न कहती है, नहीं, एक बार फॉरेस्ट में एंटर होने के बाद तुम इसे छोड़ नहीं सकते। तब डव कहती है कि बॉस्टन रिंग से पूछो कि उसे आखिर चाहिए क्या। तब रिंग बताती है कि उसे डेथ चाहिए, और एक बार उसके पास एक की मेमोरी थी लेकिन अभी उसके पास दूसरे की मेमोरी है। और बूमरैंग को अपना काम करने के लिए वो बूमरैंग प्रोवाइड करते हुए कहती है ये बूमरैंग उसके लिए है। तब बॉस्टन ब्रांड फायरस्टॉर्म की तरफ पॉइंट करते हुए वो लैंटर्न मांग रहा था और वो कह रहा था कि टाइम आ चुका है रोनाल्ड। तब वो कहता है किसका टाइम, लेकिन तब तक टेडमैन उस रिंग को शूट कर चुका था और फायरस्टॉर्म यहाँ पर जलने लगा था। जहाँ पर जेसन कहता है कि तुमने उसे मार दिया बास्टर्ड, लेकिन रिंग कहती है नहीं जेसन, कभी कभी स्ट्रांग बनने के लिए डेथ जरूरी होती है, वो या तो तुम्हें स्ट्रांग बनाती है या फिर मार देती है। यहाँ पर एयर में से हॉकमैन और हॉक गर्ल दोनों ही जिंदा होने लगे थे और फायरस्टॉर्म जलकर फायर में कन्वर्ट हो रहा था। वहां पर वाटर आ चुकी थी और इन सब के बीच में अर्थ जाग चुकी थी। और यहाँ पर आवाज सुनाई देती है व्हाइट लैंटर्न की, जहाँ पर वो कहती है ग्रीन के लिए एलिमेंट जरूरी है जो कि उसे गाइड कर सके। और तब हम देखते हैं चार एलिमेंट्स को, फायर, फायरस्टॉर्म, अर्थ, मार्शल मैनहंटर, वाटर एक्वामैन और हॉकमैन और हॉक गर्ल को एयर के फॉर्म में। और व्हाइट लैंटर्न कहती है कि और अब वो आ चुके हैं। यहाँ पर स्वैम्प थिंग आगे बढ़ रहा था सब लोगों को मारते हुए, सभी लाइफ फोर्स को किल करते हुए। और यहाँ पर चार एलिमेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हम सब इस एलिमेंट्स को और इन एलिमेंट्स के दर्द को महसूस कर रहे हैं, सारे कनेक्टेड है और अब इस डार्क अवतार को हराने की बारी हमारी है। और वो चारों ही अपने काम पर निकल जाते हैं। जैसे ही डव, डेडमैन और हॉक आगे बढ़ते हैं तब व्हाइट लैंटर्न उनसे कहती है कि तुम तीनों यही रोकोगे इस ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यही फाउंडेशन है। तब डव पूछती है फाउंडेशन किसका, तब लैंटर्न बताती है फाउंडेशन है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट ऑफ ट्रीज का। यहाँ पर हम देखते हैं उन चारों को डार्क अवतार से लड़ते हुए। और तभी व्हाइट लैंटर्न कहती है कि लाइफ करप्ट हो चुकी है, वो अब करप्ट होना शुरू हो चुकी है, लेकिन फॉरेस्ट अभी भी उसे रोके हुए है। और तभी हम देखते हैं किसी को जमीन में से बाहर आते हुए और लैंटर्न बताती है कि एक बार उसने एक बॉडी होल्ड की थी। और तब हम देखते हैं एक बॉडी को बाहर आते हुए, इस पर हॉक कहता है कि ये आखिर है क्या। तब लैंटर्न कहती है कि ये अल्टीमेट सेवियर है जिसका नाम है एलेक होलैंड। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरीज है तो भी मुझे कमेंट करें, और साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।